Assalamu alaikum students, hope you all are fine. In continuation with our discussion about hydrocarbons, जो last time हमने discontinue किया था point, जिस point पर discontinue किया था, we were talking about the reactions that are shown by alkane molecules. तो उसमें we discussed about three different possibilities. अगर आप individually इसको देखोगे, एक था substitution reactions, दूसरा था थर्मल रिएक्शंस और तीसरा जो रिएक्शन था दैट वाज अबाउट कैटालिटिक रिएक्शंस. ये तीन रिएक्शन शो कर सकते हैं. तो आज हमने क्या करना है, आज हम अपने डिस्कशन को शुरू करेंगे फ्रॉम रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इससे बात को हमने शुरू करनी है. ये आज हमारा पहला टॉपिक है, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने रेडिकल के कंसेप्ट को समझना है. ठीक है, रेडिकल होता क्या है इसको हम डिफाइन कर लेते हैं पहले. रेडिकल बेसिकली इज अ स्पीसी. अब ये स्पीसी क्या हो सकता है, इट कैन बी एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स. इसको ब्रैकेट में मेंशन कर लेते हैं कि ये एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है. एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स विच कंटेन्स एन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इट्स स्ट्रक्चर. अपने स्ट्रक्चर के अंदर अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हो तो ऐसे स्पीसी को हम क्या कहते हैं, वी कॉल देम एज रेडिकल. और रेडिकल की जो डेवलपमेंट होती है ये तब होती है जब आप कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ोगे होमोलाइटिकली. ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड की जो ब्रेकेज होती है, ब्रेकेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड कैन बी कैरीड आउट इन टू डिफरेंट वेज. एक होती है होमोलाइटिक क्लिविज और दूसरी होती है हेट्रोलाइटिक क्लिविज. डिफरेंस क्या है दोनों में, होमोलाइटिक क्लिविज में जब आप कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होती है. इसको मैं विद द हेल्प ऑफ हेडिंग्स यहां पर बना के दिखा देता हूं आपको. एक होती है होमोलाइटिक क्लिविज, होमोलाइटिक ब्रेकेज ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, ए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, बी दो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मेंशन है. इसको आपने जब बीच में तोड़ा तो दिस कन्वर्ट्स इटसेल्फ इनटू ए के ऊपर एक डॉट आ जाता है और बी के ऊपर एक डॉट आ जाता है. ठीक है, तो दिस इज होमोलाइटिक क्लिविज जिससे आपको दो इंडिविजुअल एटम्स मिलते हैं. ठीक है, दे डोंट हैव एनी चार्जेस ओवर इट, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होमोलाइटिक क्लिविज के केस में प्रोड्यूस नहीं होते. ठीक है, तो दीज आर रेडिकल्स विच आर प्रोड्यूस बाय द क्लिविज ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड. हाँ, अलबत्ता अगर हम क्या करें, इसको होमोलाइटिक से हेट्रोलाइटिक क्लिविज में कन्वर्ट करें. हेट्रोलाइटिक क्लिविज में क्या होता है, इसी मॉलिक्यूल को दोबारा बना लेते हैं. इसकी जब हम क्लिविज करेंगे तो हेट्रोलाइटिक क्लिविज में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है. ठीक है, होमोलाइटिक क्लिविज में आप मेंशन कर सकते हो कि इसमें क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब होते हैं तो प्रोडक्ट में आपको रेडिकल्स बनते हुए नजर आएंगे. अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जब होता है तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, आयंस प्रोड्यूस होते हुए नजर आते हैं. ठीक है, सो दिस इज व्हाट द बेसिक डिफरेंस इज बिटवीन होमोलाइटिक एंड हेट्रोलाइटिक क्लिविज. तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिस क्लिविज को आपने फोकस करना है दैट शुड बी होमोलाइटिक. होमोलाइटिक क्लिविज के जरिए आपने कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ के यू गॉट प्रोड्यूस रेडिकल्स जिसको आगे आप रिएक्शन में इन्वॉल्व कर सको. ठीक है, लाइक आई हैव सेड बिफोर, रेडिकल्स आर स्पीसीज दैट आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, दे डोंट हैव एनी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस. ठीक है, इनकम्प्लीट होता है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होने की वजह से रिएक्टिविटी इनकी बढ़ जाती है एंड दे आर प्रीटी रिएक्टिव स्पीसीज. और रिएक्टिव होने की वजह से आप क्या कर सकते हो, रिएक्शन को आसानी से करवा सकते हो. ठीक है, जब आप इसके ओवरव्यू को देखोगे तो रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, दिस इज क्लासिफाइड एज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बिकॉज इस केस में आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल में से एक एटम को निकालना है और उसकी जगह दूसरे एटम को लगाना है. ठीक है, दिस इज फॉर द जनरल
डिस्क्रिप्शन इज ऑफ अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सब्स्टिट्यूशन में आपने क्या करना है, वन एटम इन अ मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड विथ अनदर एटम. मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम को निकाल के उसकी जगह जब दूसरे एटम को लगा दिया जाता है तो ऐसे केमिकल रिएक्शंस को हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहते हैं. तो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में एक रेडिकल को निकाला जाता है और उसकी जगह दूसरे रेडिकल को हम क्या करते हैं, उसके अंदर अप्लाई करते हैं. ठीक है, राइट. अब रिएक्शंस में अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी में हमने यहाँ पर दो चीज़ों को आपस में रिएक्ट करवाना है. रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में यू हैव टू कंबाइन एन अल्केन मॉलिक्यूल विथ अ हैलोजन. हैलोजन के साथ कंबाइन करके जो प्रोडक्ट आपने बनाना है दैट हैज टू बी अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड. तो रिएक्शन जो आपने करवाना है उसको जनरलाइज करके आप ऐसे लिख सकते हो कि अल्केन मॉलिक्यूल का रिएक्शन आपने हैलोजन के साथ करना है. अब हैलोजन मॉलिक्यूल्स एज यू नो दे आर ऑफ फोर डिफरेंट टाइप्स. कौन कौन से हैं, फ्लोरीन है ब्रोमीन है और आयोडीन है. इसमें से जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इसमें जो प्रेफर्ड मॉलिक्यूल्स हैं वो कौन से हैं, इसकी जगह या तो हम क्लोरीन को इस्तेमाल करेंगे या ब्रोमीन को इस्तेमाल करेंगे. क्लोरीन या ब्रोमीन को इस्तेमाल किया जाता है, हम इसमें फ्लोरीन और आयोडीन को यूज़ नहीं करेंगे. उसकी रीजंस भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है F2 का मॉलिक्यूल इज़ रिएक्टिव, काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव होता है और इसके रिएक्शंस आमतौर पर एक्सप्लोसिव होते हैं. रिएक्टिव और एक्सप्लोसिव होने की वजह से फ्लोरीन मॉलिक्यूल को जनरली कंसिडर नहीं किया जाता. ठीक है, और दूसरी तरफ आयोडीन है. आयोडीन को इन रिएक्शंस में यूज़ क्यों नहीं करेंगे हम, सिंपली बिकॉज आयोडीन के रिएक्शंस एक तो होते हैं काफ़ी ज़्यादा स्लो. ठीक है, दे आयोडीन एग्जिबिट्स अ स्लो रिएक्शन और स्लो होने के साथ साथ इनके रिएक्शंस रिवर्सिबल भी होते हैं. स्लो एंड रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, मतलब अगर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी प्रोडक्ट की बन भी जाती है तो वो अपने आप को दोबारा कन्वर्ट करेगी रिएक्टेंट में. तो मतलब प्रोडक्ट जितना आपको मिलना चाहिए उतना ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता नहीं है बाय द वे. तो इन दो रीजंस की वजह से आप इन दोनों हैलोजन्स को इस केस में इंक्लूड नहीं करोगे. प्रेफर्ड मॉलिक्यूल्स विल बी क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन दिस केस. और रिएक्टिविटी इनकी देखी जाए वैसे तो फ्लोरीन से लेके आयोडीन तक इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन दिस ऑर्डर. फ्लोरीन इज रिएक्टिव देन क्लोरीन, क्लोरीन इज रिएक्टिव देन ब्रोमीन, और ब्रोमीन की रिएक्टिविटी जो है वो आयोडीन से ज़्यादा होती है. तो इस डायरेक्शन में अगर आप प्रोसीड करोगे तो इसकी रिएक्टिविटी क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर. सो दिस वाज अबाउट हैलोजन्स. अब इसकी कंपैरिजन अगर हम करें किसके साथ, अल्केन्स के साथ, तो अल्केन्स में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप. उसकी वजह यह है कि यहाँ पर आपने हाइड्रोजन को रिमूव करना है. ठीक है, तो हाइड्रोजन को रिमूव करोगे तो हाइड्रोजन को रिमूव करने पे जो स्पीसीज प्रोड्यूस होगी उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स के ऊपर. तो टर्शरी जो मॉलिक्यूल होगा इसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं ओवर हियर लाइक दिस. द मोस्ट स्टेबल मॉलिक्यूल विल बी टर्शरी, टर्शरी के बाद फिर सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद फिर प्राइमरी, और प्राइमरी से भी कम कौन होता है, मिथाइल ग्रुप होता है. सो दिस इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर एन अल्केन मॉलिक्यूल. ठीक है, तो ये अल्केन मॉलिक्यूल में अगर आपने अल्केन मॉलिक्यूल को अगर आपने इस रिएक्शन में इन्वॉल्व करना है तो आप टर्शरी मॉलिक्यूल को प्रेफर करोगे. अगर वो नहीं है तो फिर सेकेंडरी की तरफ आओगे. सेकेंडरी नहीं है, प्राइमरी, प्राइमरी के बाद लीस्ट प्रेफर्ड मॉलिक्यूल इन केस ऑफ एन अल्केन मॉलिक्यूल इज मिथाइल. ठीक है, राइट. तो ये कुछ कंडीशंस थे जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए था. अब रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ जब हम आते हैं तो ये जो रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है इट प्रोसीड्स थ्रू अ मैकेनिज्म व्हिच इज कॉल्ड एज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. इसकी हेडिंग हम दे देते हैं यहां पर, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के जरिए आपने ये वाला प्रोसेस करना है जिसको मैंने वर्डिंग्स में लिख के दिखाया आपको.
ठीक है. सो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करना है तो ये होगा कितने स्टेप्स में. दिस फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इज कैरीड आउट इन थ्री स्टेप्स. तीन बुनियादी स्टेप्स में आपने ये रिएक्शन कंप्लीट करना है. कौन से तीन स्टेप्स हैं, बाकायदा इनकी हेडिंग्स मौजूद है. सबसे पहले स्टेप में आपने क्या करना है, यू हैव टू स्टार्ट द रिएक्शन, जिसको आप क्या कहते हो, यू कॉल इट एज द प्रोसेस ऑफ इनिशिएशन. इनिशिएशन का मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जो शुरू होता है, शुरू करने के प्रोसेस को इनिशिएशन हम कहते हैं. अब इनिशिएशन में आपने क्या करना है, आपने फ्री रेडिकल को बनाना है, हैलोजन को आपने कन्वर्ट करना है. किसमें, हैलोजन को आपने कन्वर्ट करना है इनटू फ्री रेडिकल्स. आप यहाँ पर कौन से हैलोजन को आप यूज़ कर रहे हो, उस बेसिस के ऊपर कंडीशंस चेंज होती हैं. अगर हम क्लोरीन को यूज़ करेंगे, Cl2 को यूज़ करेंगे, तो Cl2 को यूज़ करने के लिए आप कौन सा कंडीशन यूज़ करोगे, डिफ्यूज्ड सनलाइट का. और दूसरा, अगर हम ब्रोमीन को यूज़ करते हैं इसमें, तो उसमें यूवी लाइट को यूज़ किया जाता है. तो ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करते हुए हैलोजन्स को हम फ्री रेडिकल्स में कन्वर्ट करेंगे. या फिर आप ये कह सकते हो कि दीज आर द कंडीशंस व्हिच आर यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ हैलोजन मॉलिक्यूल्स इनटू फ्री रेडिकल्स. ठीक है, तो जब आप क्लोरीन की बात करो तो क्लोरीन के कोवेलेंट बॉन्ड को हम बना लेते हैं लाइक दिस. ठीक है, हमने एरो पुट किया, एरो के ऊपर हमने सनलाइट को मेंशन कर दिया कि सनलाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो ये इसके कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देती है. इक्वल स्प्लिटिंग, दिस विल बी होमोलाइटिक क्लीविज लाइक आई हैव टोल्ड यू बिफोर. तो होमोलाइटिक क्लीविज के जरिए जब एटम्स एक दूसरे से अलग होते हैं, जब टूटता है मॉलिक्यूल, तो इट प्रोड्यूसेस व्हाट, इट प्रोड्यूसेस टू फ्री रेडिकल्स व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है. ठीक है, तो ये रहा पहला स्टेप जिसमें आपने मॉलिक्यूल को तोड़ के फ्री रेडिकल्स को प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, प्रोड्यूस करने के बाद अब सेकेंड स्टेप में आपने रिएक्शन को आगे लेके जाना है, और इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज द स्टेप ऑफ प्रोपगेशन. प्रोपगेशन बेसिकली मीन्स एक ऐसा स्टेप जिसमें आपने रिएक्शन को आगे लेके चलना है. अब रिएक्शन को आगे लेके चलने के लिए जो फ्री रेडिकल्स हमने बना लिए हैं, इसका रिएक्शन आपने करना होगा अल्केन मॉलिक्यूल के साथ. इसकी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे कैसे, वी विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. विल टेक एन एटम, फ्री रेडिकल हमने क्लोरीन का ले लिया. अब इसकी कंबिनेशन हमने की विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. इन दिस केस सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम मीथेन के मॉलिक्यूल को ले लेते हैं. ठीक है, मीथेन के मॉलिक्यूल को हमने मेंशन कर दिया. अब रिएक्शन जब होगा इनका, तो ये जो फ्री रेडिकल है ये क्या करेगा, इट विल ट्राई टू रिमूव दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर. यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करने के प्रोसेस के दौरान जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी होमोलाइटिकली क्लीव होगा. होमोलाइटिक क्लीविज का मतलब इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिथाइल फ्री रेडिकल. ठीक है, तो HCl के साथ कंबाइन करके क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ HCl. और हाइड्रोजन के रिमूवल के बाद पीछे रह क्या जाता है, यू विल बी लेफ्ट विथ वन कार्बन, थ्री हाइड्रोजन एटम्स विद अ डॉट ओवर हियर. अब ये जो स्पीसीज प्रोड्यूस हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज मिथाइल फ्री रेडिकल. मिथाइल फ्री रेडिकल इसको हम कहते हैं. तो पहले स्टेप में, प्रोपगेशन के पहले स्टेप में, जब मीथेन मॉलिक्यूल की कम्बिनेशन आपने क्लोरीन फ्री रेडिकल के साथ की, तो क्लोरीन एच के साथ कंबाइन करके HCl बना लेता है और मीथेन मॉलिक्यूल को मिथाइल फ्री रेडिकल में चेंज कर जाता है. सेकेंड स्टेप में क्या होगा, सेकेंड स्टेप में आपने इस मिथाइल फ्री रेडिकल को कंबाइन करना है किसके साथ, यू हैव टू कंबाइन इट विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, Cl, सिंगल बॉन्ड Cl, इसके साथ आपने इसको कंबाइन करना है. तो ये फ्री रेडिकल क्या करेगा, इट इज गोइंग टू कंबाइन विद क्लोरीन एटम. क्लोरीन एटम की कंबिनेशन में ये कोवेलेंट बॉन्ड भी टूटेगा, दिस विल बी होमोलाइटिक क्लीविज अगेन. होमोलाइटिक क्लीविज का नतीजा क्या होगा, क्लोरीन एंड CH3, इन दोनों की कंबिनेशन जब होती है तो इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस CH3Cl which is the molecule of alkyl halide produce हो जाएगा. और उसके साथ ही आपको क्या मिलेगा, you will get Cl with a dot, क्लोरीन फ्री रेडिकल आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो क्लोरीन फ्री रेडिकल इज प्रोड्यूस्ड बाई
the reaction of methyl free radical with a molecule of chlorine. तो ये दोनों interconvertible हैं. अब यहाँ पर जो chlorine free radical produce हुआ है ये जाके दोबारा alkane molecule के साथ combine करेगा, hydrogen उसमें से निकालेगा, HCl produce करेगा methyl free radical, और methyl free radical आके फिर chlorine molecule के साथ combine करके alkyl halide में produce होगा. So this takes place in a circle. ये circle में तब तक चलता रहेगा जब तक सारा का सारा halogen और जो alkane molecules हमने इस्तेमाल किए हैं वो completely consume ना हो जाए, तो चलता रहेगा. अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपने इस रिएक्शन को completion की तरफ लेके जाना है, तो तीसरा स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इज कॉल्ड एज द प्रोसेस ऑफ टर्मिनेशन, जहां पर आके आपने रिएक्शन को कंप्लीट करना है. टर्मिनेशन के स्टेप्स में अगर हम देखें तो पॉसिबिलिटीज जो हैं, पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा मौजूद हैं. जैसे कि यू हैव द कम्बिनेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल्स टुगेदर, ठीक है, CH3 एक मिथाइल फ्री रेडिकल, इट कैन कंबाइन विथ अनदर मिथाइल फ्री रेडिकल टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन CH3, सिंगल बॉन्ड CH3. ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव. ये ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसके लिए रिएक्शन करवाया जा रहा है, उसकी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है. तो पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉसिबिलिटी ओवर हियर, कि वंस दिस इज प्रोड्यूस्ड दिस माइट गेट रिसाइकल्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस. अगर अल्केन का मॉलिक्यूल बन भी जाता है तो इट माइट बी रिसाइकल्ड एंड इट माइट बी कन्वर्टेड इंटू एन अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल. ये मैं कह इसलिए रहा हूँ बिकॉज सेकेंड पॉसिबिलिटी में यू हैव द कम्बिनेशन ऑफ क्लोरीन विथ क्लोरीन Cl, और Cl के कम्बिनेशन से Cl2 बनेगा. नाउ Cl2 इज द रिएक्टेंट विच वी आर यूजिंग. तो अगर ये अपने आप को वापस इन्वॉल्व कर सकता है रिएक्शन में और अपने आप को रिसाइकल कर सकता है, सेम कैन बी सेड फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ अल्केन. अल्केन मॉलिक्यूल के लिए भी ये बात कही जा सकती है कि इसको भी रिएक्शन के दौरान हम क्या कर सकते हैं, वी कैन रिसाइकल इट. लेकिन असल स्टेप जहां पर आके रिएक्शन कंप्लीट होता है, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ व्हाट, दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ मिथाइल फ्री रेडिकल CH3 विद अ डॉट कंबाइनिंग विद क्लोरीन फ्री रेडिकल टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ CH3Cl. यहां पर आके रिएक्शन कंप्लीट होता है, ठीक है. लेकिन याद रखें कि ये दिस इज नॉट द ओनली प्रोडक्ट दैट कैन बी फॉर्म्ड. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर, आप क्या कर सकते हो, आप इसको आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स में. लाइक मिसाल के तौर पर यही CH3Cl है. इफ़ यू वॉन्ट टू टेक द रिएक्शन फॉरवर्ड इन दिस केस, CH3Cl को दोबारा कंबाइन करो किसके साथ, कंबाइन इट विद अनदर मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन Cl2. Cl2 के साथ जब कंबाइन करोगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इट विल कंबाइन विद एन एटम ऑफ क्लोरीन टू प्रोड्यूस HCl, और क्लोरीन एटम को उसकी जगह जब आप इस मॉलिक्यूल में ऐड करते हो, तो इट विल प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल विच विल बी CH2Cl2. इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज डाई क्लोरोमीथेन. डाइक्लोरोमीथेन प्रोड्यूस हो सकता है कि अगर आप प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस हुआ है इसकी फर्दर हम अगर हैलोजनेशन करें, तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये डाइक्लोरोमीथेन में चेंज हो सकता है. नाउ वंस दिस कंपाउंड इज प्रोड्यूस्ड, इसकी अगर फर्दर हम हैलोजनेशन करते हैं, इफ वी कंबाइन इट विद अनदर क्लोरीन मॉलिक्यूल, इट माइट प्रोड्यूस व्हाट, इट माइट प्रोड्यूस CHCl3 विच वुड बी क्लोरोफॉर्म. क्लोरोफॉर्म इज अ कंपाउंड लिक्विड होता है, वॉलेटाइल लिक्विड, विच इज नॉर्मली यूज एज एनेस्थीजिया के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ एक और मॉलिक्यूल HCl का प्रोड्यूस होगा, और रिएक्शन जहां पर कंप्लीट होगा दैट विल बी द कम्बिनेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म विथ अ मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन की कम्बिनेशन जब होगी, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl. दिस इज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड. तो यहां पर पहुंचने पर आप क्या करोगे, यू कैन से कि द रिएक्शन गेट्स कंप्लीटेड, बिकॉज इससे आगे आप प्रोसेस सब्स्टिट्यूशन का नहीं करवा सकते, बिकॉज दिस मॉलिक्यूल डज नॉट कंटेन एनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन इट.
ठीक है, रिप्लेसिबल हाइड्रोजन एटम्स चूंकि मौजूद नहीं है इसमें, तो आप रिएक्शन को आगे नहीं लेके जाओगे. तो यू कैन से कि इफेक्टिवली रिएक्शन जो आके रुकेगा दैट विल बी एट दिस पॉइंट, कार्बन टेट्राक्लोराइड पर आके रुक जाता है, इसके आगे आप रिएक्शन को नहीं ले जा सकते. तो इसके साथ ही ये आपका जो टॉपिक था विच वॉज अबाउट रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इट कम्स टू एन एंड, यहाँ पर आके ये खत्म हो गया है. इसके बाद हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ठीक है, ऑक्सीडेशन जो होती है, ऑक्सीडेशन को आप डिवाइड कर सकते हो तीन हिस्सों में. ठीक है, सबसे पहले हम यहां पर क्या कर लेते हैं, लेट अस गिव द हेडिंग ऑक्सीडेशन ऑफ, चूंकि एल्केन्स की डिस्कशन हो रही है तो लेट अस गिव दिस हेडिंग. अब ये ऑक्सीडेशन ऑफ एल्केन्स या तो कंप्लीट होगी, ठीक है, या फिर नंबर टू पर हम देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन, या फिर तीसरे नंबर पर कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है. इन तीन रिएक्शंस को हमने क्या करना है, एनालाइज करना है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती कैसे है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कैसे होती है, और कैटालिटिक जो ऑक्सीडेशन है वो हम कैसे करेंगे. ठीक है, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में जो एग्जाम्पल्स आपको गिवन है, दैट is the process of combustion. Combustion का process होता है. Combustion का मतलब क्या हुआ, combustion का मतलब है burning a substance in the presence of air. ठीक है, हवा की मौजूदगी में जब आप क्या करोगे, किसी भी सब्सटेंस को जलाते हो, तो जलाने के प्रोसेस में डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन, जिस चीज को आप जला रहे हो उसके अंदर कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं, उस बेसिस के ऊपर आपको कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर या दोनों आपको मिल सकते हैं. ठीक है, सो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो, आप ये कह सकते हो कि ये दोनों जो हैं, ये दोनों डिस्क्राइब होते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंबशन. कंबशन के प्रोसेस के जरिए इन दोनों कंसेप्ट को हमने समझने की कोशिश करनी है. कंप्लीट और इनकम्प्लीट कंबशन में बहुत माइनर डिफरेंस है. व्हेन यू टॉक अबाउट कंप्लीट कंबशन, उसमें जो प्रोड्यूस होगा, जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे, दे आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दो चीज़ें हैं कंप्लीट कंबस्शन में. सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे दैट इज CO2 एंड H2O कंप्लीट कंबस्शन के केस में. और दूसरा पॉइंट ये है कि कंप्लीट कंबस्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की क्वांटिटी जब बहुत ज़्यादा होती है तो प्रोसेस कंप्लीट होता है. ठीक है, तो एक्सेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब आप रिएक्शन करवाओगे तो ये होगा. और दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने नोट करनी है वो ये है कि जो कंबस्शन का प्रोसेस होता है दैट इज बेसिकली एक्सोथर्मिक, इट इवॉल्व्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. तो इसको अगर आपने क्या करना है, इलस्ट्रेट करना है, तो इलस्ट्रेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जिसमें विल टेक CH4 मीथेन गैस, जिसको आमतौर पर जलाया जाता है हीटर्स में, सर्दियों वगैरह में हम इसको इस्तेमाल करते हैं और हीट काफ़ी ज़्यादा इसमें प्रोड्यूस होती है. तो मीथेन को जब जलाया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में जब हम इसको जलाते हैं, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या करेगा, इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा. और हाइड्रोजन अलग से जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है, इट प्रोड्यूसेस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड स्टेट. ठीक है, बैलेंस करना है, चार हाइड्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन दो है, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 पुट कर दो. और ऑक्सीजन की तादाद, दो ऑक्सीजन यहाँ पर, दो दो और दो चार हो गए, चार को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 2 पुट कर लो. सो दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन व्हिच इंडिकेट्स द कंबस्शन ऑफ मीथेन. इसको हम कंप्लीट कंबस्शन कह सकते हैं बिकॉज प्रोडक्ट के तौर पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं. एंड लाइक आई सेड, दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इस केस में आप डेल्टा एच को भी लिख सकते हो. डेल्टा एच इंडिकेट करता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी दैट इज रिलीज्ड व्हेन मीथेन इज बर्न्ड. ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इट इज -891 किलो जाउल्स पर मोल. इतनी क्वांटिटी रिलीज होती है जब एक मॉलिक्यूल मीथेन को जलाया जाता है. ठीक है, सो दिस वुड इंडिकेट द प्रोसेस ऑफ कंप्लीट कंबस्शन. ठीक है, और इनकम्प्लीट जो कंबस्शन होती है, ठीक है, यहां पर हम क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कंबस्शन की हेडिंग दे देते हैं. और दूसरी तरफ यू गॉट इनकम्प्लीट, कंप्लीट कंबस्शन में ये प्रोड्यूस होगा. ठीक है, सो हम यहां पर हेडिंग दे देते हैं इन कंप्लीट
कंबस्शन का. इनकम्प्लीट कंबस्शन में अपार्ट फ्रॉम कार्बन, अपार्ट फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स, इस केस में जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे वो मिलेंगे एलिमेंटल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आपको कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा क्या मिलेगा, एलिमेंटल कार्बन मिलेगा अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ वाटर. दीज थ्री प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सपेक्टेड इन इनकम्प्लीट कंबस्शन. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि ये तो प्रोडक्ट्स की बात हमने कर ली, दूसरी बात रिगार्डिंग द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एक्सेस है. इनकम्प्लीट कंबस्शन में हमने लिमिटेड सप्लाई लेनी है ऑक्सीजन की. ऑक्सीजन की क्वांटिटी लिमिटेड होती है, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एक्सेस. बहुत ही स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, उसका नतीजा ये होगा. अब इसको अगर आपने क्या करना है, इफ़ यू वांट टू लाइक इलस्ट्रेट इट, यू कैन राइट डाउन दिस. थ्री मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन कंबाइंस विथ फोर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. तो इसमें से प्रोड्यूस दो मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के होंगे, एक एलिमेंटल कार्बन प्रोड्यूस होगा और इसके साथ साथ आपको छह मॉलिक्यूल्स मिलेंगे पानी के, 6H2O. ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है जो इंडिकेट करता है इनकम्प्लीट कंबस्शन के प्रोसेस को. लाइक आई सेड बिफोर, चाहे वो कंप्लीट हो या इनकम्प्लीट हो, प्रोसेस अगर कंबस्शन का है तो इट हैज टू बी एक्सोथर्मिक. एनर्जी डेफिनेटली इस केस में रिलीज होगी. ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी वुड बी रिलीज. सो ये दो एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो टू डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट कंबस्शन एंड कंप्लीट कंबस्शन. कंप्लीट कंबस्शन को कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी कहते हैं और इनकम्प्लीट कंबस्शन को इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन भी कहा जाता है. और सबसे आखिर में हमने क्या करना है, वी गॉट टू हैव अ लुक एट कैटालिटिक ऑक्सीडेशन. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन मीन्स द ऑक्सीडेशन व्हिच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक कैटलिस्ट. ठीक है, तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को हम क्या करेंगे, विल रिप्रेजेंट इट लाइक दिस. लाइक आई सेड, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन वुड टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ मेटालिक कैटलिस्ट. और इसमें आमतौर पर टेम्परेचर होता है 400 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर वुड बी 200 atm. जो कैटलिस्ट हम इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी कॉपर. ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं कहाँ से, वी विल स्टार्ट विथ मीथेन CH4 कंबाइनिंग विथ एटॉमिक ऑक्सीजन. अब एरो के ऊपर ये तीनों कंडीशंस मेंशन कर लें, कॉपर कैटलिस्ट है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर प्रोवाइड करना है और 200 atm प्रेशर अप्लाई होगा. ठीक है, तो पहले स्टेप में एटॉमिक ऑक्सीजन वुड मेक इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ दिस मॉलिक्यूल. मीथेन में ये क्या हो जाता है, कंबाइन हो जाता है. अब मीथेन में जब एटॉमिक ऑक्सीजन की कंबिनेशन हम करते हैं तो दिस मॉलिक्यूल चेंजेस इनटू CH3OH. मेथनॉल में ये अपने आप को चेंज कर लेता है. तो फर्स्ट स्टेप में जब एटॉमिक ऑक्सीजन के एडिशन हम मीथेन मॉलिक्यूल में करते हैं, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मेथनॉल. सेकेंड स्टेप में जब मेथनॉल की होती है ऑक्सीडेशन CH3, दिस वुड बी क्लासिफाइड एज एन एडिशन रिएक्शन. ठीक है, दो रिएक्टेंट्स को कंबाइन करके प्रोडक्ट एक मिल रहा है. लेकिन मेथनॉल की जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे अंडर सिमिलर कंडीशंस, तो ये ऑक्सीजन यहाँ से दो हाइड्रोजन एटम्स को रिमूव करेगा. इट्स गोइंग टू प्रोड्यूस अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और पानी के मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पर आपको रिजल्ट मिलेगा HC OH और H, विच इज अ मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल आपको प्रोडक्ट के तौर पर मिलता है. दिस इज स्टेप नंबर टू. ठीक है, और सबसे आखिरी स्टेप में आपको क्या मिलेगा, इसी फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल को आपने, यू हैव टू पास इट थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडिशन रिएक्शन. एडिशन रिएक्शन के जरिए आप जब एटॉमिक ऑक्सीजन को यहाँ पर ऐड करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट HC OH विथ OH, which is a molecule of formic acid. तो लास्ट स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड में अपने एटॉमिक ऑक्सीजन की कंबिनेशन की तो उससे फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल मिला. तो ये तीनों रिएक्शंस होते हैं किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ मेटालिक कॉपर व्हिच एक्ट्स एज द कैटलिस्ट, 200 atm प्रेशर एंड 400 degree centigrade. ठीक है, विद दैट योर कैटलिटिक ऑक्सीडेशन इज कंप्लीट. और कैटलिटिक ऑक्सीडेशन के साथ साथ हमने आज अल्केन के पोर्शन को कंप्लीट कर दिया. होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट आवर डिस्कशन अबाउट अल्कीन्स. बट अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.